कार्यक्रम में क्या क्या ना मीना मीना, कभी बना कुत्ता और कभी बना कमीना, ठीक है ना, वो काम केजरीवाल जी का है, ठीक है ना भाई। न गठबंधन करेंगे और न समर्थन देंगे ना लेंगे, भाई ने सोचा था तेरी 7-8 सीट आएंगी, गलती से 26 सीटें आ गई, ठीक है ना इनकी बनी ना उनकी बनी। हालांकि आपको बताइए, भगत सिंह का बलिदान दिवस होता है 23 मार्च को, इस दिल्ली में 31 वर्ष थी आयु शराब पीने की, भाई ने 10 हटा दी, 21 कर दी, भगत सिंह के जन्म दिवस के दिन। खुद कह रहे हैं अन्ना हजारे जी गलत किया है, लोकपाल बिल ला रहे थे, भोपाल बिल में हो गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। निर्भया के ऊपर हुआ था, उसके आरोपियों को 20-20 हजार रूपए और सिलाई मशीन देने का काम केजरीवाल ने किया। दोस्तों, एक आदमी बहुत साल पहले कहा करता था कि यदि मेरे ऊपर जांच का शब्द आता है, यदि मेरे ऊपर संदिग्ध कुछ नजर आता है, तो सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा, उसके बाद मैं जांच के विषय में शामिल होऊंगा सरकारी एजेंसियों के सामने, और उसके बाद यदि साफ हुआ तो फिर से पदभार ग्रहण करूंगा। नाम है केजरीवाल। वो पहले खुद कहा करते थे कि यदि मेरे ऊपर जाँच बैठता है तो इस्तीफा दूंगा। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि अब वो जेल से खुद सरकार चला रहे हैं, क्या उनकी नैतिकता नहीं बनती कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए एक कहावत है, देखिए कहावत है, मैं वहीं से शुरू करूंगा। हमारे यहाँ कहावत है बैल कांध का और मर्द जुबान का, ठीक है ना, जिस जो बैल कांध का ना हो वो बैल नहीं, और जिसकी जुबान पक्की ना हो वो मर्द नहीं है, ठीक है ना। और फिर उसका उल्टा आप समझ ही गए, कहने की मुझे उसके कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक वो बात है, मैं तेरे प्यार में क्या कहना मीना मीना, कभी बना कुत्ता और कभी बना कमीना, ठीक है ना, वो काम केजरीवाल जी का है, ठीक है ना। देखिए ये लोग वही लोग हैं तो साडा तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टोमी, ठीक है ना। नियम दूसरे के लिए है, स्वयं आचरण किया नहीं, औरों को बहका ऐसे उपदेश प्रवचन वहां में उठ जाए, ठीक है ना। भाई ने दूसरों के लिए बोला, अरे मनीष सिसोदिया गड़बड़ करेगा तो मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, खुद के लिए नहीं कहा, ठीक है ना। भाई ने जो भी बात कही अपनी जुबान से फिर गया। भाई ने कहा था, मुझे तो डर लगता है जिस दिन हमारे इस आंदोलन से विकल्प निकलेगा और वो ना भ्रष्ट हो जाए, इस कुर्सी में ही गड़बड़ है। जब पता कुर्सी में गड़बड़ है क्यों बैठा भाई? भाई बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हुए जो कभी पदों पे नहीं बैठे, कभी कुछ नहीं बने, उन्होंने काम किया देश के लिए। अस्पा भाई अगर बात करें हम, अशफाकुल्ला खान जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह है, नेता सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने कभी कोई बड़ा पद नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, देश के लिए काम किया, भाई भी करता रहता, क्या दिक्कत थी, जो गलत था उसके बारे में कहता। लेकिन भाई ने नहीं, गाड़ी अरे दिल्ली में वो कहावत है, दारू पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, है ना, तो भाई ने चलाई और बनाई सरकार। पहले कहा ना गठबंधन लेंगे और ना देंगे, सब घोटालेबाज है, सबको इन्हें खुद बोला सब घोटालेबाज, सब चोर, ठीक है ना, हम ही साहूकार है, है ना भाई, न गठबंधन करेंगे और न समर्थन देंगे ना लेंगे। भाई ने सोचा था तेरी 7-8 सीट आएंगी, गलती से 26 सीटें आ गई, ठीक है ना इनकी बनी ना उनकी बनी। भाई ने गली गली गया, ड्रामे ड्रामे भाई, देखो गली गली गया, समर्थन ले लूं समर्थन ले लूं, चलो पूछ रहे लोगों ने कह दे ले लो, ठीक है ना। फिर जब 58 दिन हुए, किसी से पूछा भी नहीं, ठीक है ना, इस्तीफा। एक काम एक बार जो है ना नेहरू जी ने किया था, जब जो है कश्मीर में मामला चल रहा था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर के ऊपर कब्जा करने के लिए, और हमारे गृह मंत्री जी उस समय वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो सेना लेके चले गए, लाहौर तक दबा लिया था। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में किसी से चर्चा नहीं करी, जाके घोषणा कर दी युद्ध विराम, तो भाई उन्हीं को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उन्हीं से निकलना था, बी टीम है ना, शुरू से ही बी टीम रही है ना। फिर भाई ने भाषण दिया, हम सरकारी घर नहीं लेंगे, आम आदमी, ठीक है ना, है ना, आम आदमी। पहली बात तो आईएएस आईपीएस कभी आम आदमी नहीं होता, ठीक है ना, आईएएस आईपीएस भैया बहुत बड़ा बहुत बड़ी पद होती है, सर्वोच्च सर्वोच्च पद है देश का, सर्वोच्च भैया आप अधिकार होता है ना, आम आदमी नहीं होता, नौटंकी नकली आदमी आम आदमी बना, वो दुनिया को पता आम आदमी नहीं था, ठीक है ना। फिर कहने लगा भाई सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, जब छोटी मिल रही नहीं ली, जब रेंज रोवर मिली फॉर्च्यूनर ली, है ना, घर छोटा मिला नहीं लिया भाई ने, जब 6 KBHK दो दो घर ले लिए, सी स्मेल बनाया भाई ने, है ना, कट्टर ईमानदार है जी, कट्टर ईमानदार भी पता लगे कितने ईमानदार थे। भाई ने जिस बात पे कहो ना, मैं कहता हूँ एक बात कहा भाई जना, व्यक्ति जो है ना अपने परिवार के लिए वो तो झूठ नहीं बोलता, बीवी बच्चों कसम खा के, हम तो तभी पता लग गया, बीवी को खुद आगे कर दिए उन्होंने, रोज वीडियो जारी कर रही है बीवी, खुद बता कर दे कि मैं ये सबसे दूर रहता हूं। देखिए परिवारवाद नहीं कह रहे थे, परिवारवाद आ गया,
ठीक है ना, ये कहते थे बंद कर दो इंस्पेक्टर डायरेक्टरेट, बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो जांच एजेंसी, हैं अगर तुम सोनिया गांधी नहीं कर सकते। उसी गोद में जाके बैठ गया, इनकी पार्टी के आदमी कहते चले जाओ बिहार एक परिवार की पार्टी, चले जाओ आपका उत्तर प्रदेश एक परिवार की पार्टी, चले जाओ महाराष्ट्र एक परिवार की पार्टी, चले जाओ वहाँ कश्मीर उमर अब्दुल्ला एक परिवार की पार्टी। फिर भाई ने नीचे गठबंधन कर लिया, चार दिन का रेशियो में, ठीक है ना, अपने आप ही आ गए। तो भैया ये वो लोग हैं जो थूकते हैं अपने आप ही चाट लेते हैं, ठीक है ना, अपने सिद्धांत खुद तोड़ देते हैं, टारगेट होते हैं लेकिन इनके अपने नियम होते हैं उनको भी ब्रेक कर देते हैं, खुद ये रूल्स को ब्रेक करते हैं और खुद ही इनका कोई दीन ईमान नहीं है। और सुनिए मैं तो देखो सारी बातों को छोड़ दीजिए, ये बात लेके आए भगत सिंह की है ना भैया, हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे जी, उनके गांव में जाकर शपथ लेंगे, शपथ तो उनका तो गांव पाकिस्तान में था वहां भी ली, फिर उसका विकल्प निकाल लिया ना भाइयों ने, कोई बात नहीं। अब फिर वो शराब घोटाला की आपको बताइए, भगत सिंह का बलिदान दिवस होता है 23 मार्च को, इस दिल्ली में 31 वर्ष थी आयु शराब पीने की, भाई ने तो हटा दी 21 कर दी, भगत सिंह के जन्म दिवस के दिन, ठीक है ना, सोचने की बात है भाई साहब ये, चलो वो भी छोड़ दीजिए, पन्नू से पैसे ले लिए, पन्नू कह रहा है वीडियो आरोप लगा के, और मैं कहता हूँ जिसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद एनएसए लगना चाहिए केजरीवाल के ऊपर, ठीक है ना, और इन्हीं की पार्टी जो गठबंधन करने वाले हैं आरजेडी वाले, एक आप ही की तरह पत्रकार भाई मनीष कश्यप, ठीक है ना, आरोप नहीं था झूठा आरोप में उसके ऊपर एनएसए लगा के रखी इन्होंने, अगर इतने ही राष्ट्रवादी लोग हैं कन्याकुमार उमर कालज पे कहा एनएसए लगाई है ना, इतने डरपोक लोग हैं एनएसए उन पे लगा रहे हैं, खुद डरे हुए एक पत्रकार से डर के उसको जेल में बंद कर रखा, ठीक है ना, ये घमटिया गठबंधन है, सारे चोर चोर मुसेरे भाई है, और देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या, ये आरोप लगा रहे मोदी सरकार पर कि सब उनके इशारे पर हो रहा है, मतलब मोदी जी के इशारे पर ईडी सीबीआई काम करती है और उनको ब्लैकमेल करके अपने अंदर शामिल करवा रही है और मुझे जेल में डलवा रही है, ये आम आदमी पार्टी का बयान। केजरीवाल की सरकार दो राज्यों में है, ठीक है ना, पंजाब में भी है, तो उन्होंने उनको भगवत सिंह भगवत मान को क्यों नहीं डाला, वो भी तो विपक्ष के हैं, है ना, उनसे भी भैया अगर उनको डाल दे, अगर इनकी बात माने उनको डाल दे तो वहां भी सीटें बढ़ जाएंगी ना, उनको क्यों डाल रहे हैं, हिमाचल वाले है ना, भाग्यनगर वाले कर्नाटका में, वहां भी तो विपक्ष है ना, उनको क्यों जेल में डाल दिया, ममता बनर्जी को क्यों डाल दिया जेल में, है ना, अगर ऐसी बात होती तो उनको भी जेल में डाल देते, ऐसा नहीं है, गलत किया है, उनके गुरु खुद कह रहे हैं अन्ना हजारे जी गलत किया है, लोकपाल बिल ला रहे थे भोपाल बिल में हो गए, जमुना जी साफ कर रहे थे, जमुना साफ कर रहे, जमुना साफ नहीं हुई, ठीक है ना, बोलते थे कि हमें खुद डुबकी लगाऊंगा साथ में चल करके, कहीं नहीं लगाई आज तक, हमें तो हाथ धोते भी दिखा आज तक केजरीवाल भाई, कह रहा था 2013 में ये जहाँ जहाँ टैंकर से पानी आता है वहाँ लाइन बिछ जाएगी और पानी है ना, वहाँ पर गलत बात हो रहा है, मोदी मोदी कर रहे हैं ना, कौन मेरी बात सुनो, जो भी कौन मोदी जो भी कह रहा है, नहीं मैं मोदी केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, ये बताओ क्या मुद्दा है, केजरीवाल को उनकी सुन लेना मैं चले जाऊँ, तो भाई ने जमुना साफ नहीं करी, ठीक है ना, भाई कहने लगा हमारी सरकार आएगी घर घर राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर घर पैक होके जाएगा, यहाँ आई बात बोले जी एलजी नहीं करने दे रहे, मोदी जी नहीं करने दे रहे, ठीक है भैया पंजाब में तो इनकी पूर्ण बहुमत सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, केंद्र का मतलब भी नहीं है ना, वहां तो कर दो, नहीं करना काम केवल बहाने अड़ाने हैं, और इनकी सुरक्षा व्यवस्था बता दूं, ठीक है ना, पिछले दिनों साक्षी मलिक के साथ साबा डेयरी में क्या हुआ था उसके ऊपर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, निर्भया के ऊपर हुआ था उसके आरोपियों को 20,000 रुपए और सिलाई मशीन देने का काम केजरीवाल ने किया, ठीक है ना, उमर खालिद कन्याकुमार ने देश को गाली दी थी, इनको इनके मंच पर जाकर के इनकी पीठ ठोकने वाले केजरीवाल थे, ठीक है ना, इनके ऊपर एनएचसी लगना चाहिए। और सुनिए फिर भैया ने इन्होंने अपने नियम पे चलते उनमें पंजाब की बता दूं आपको, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी थी, इन्होंने शाम को हटाया, अगले दिन का मर्डर हो गया, इसमें भी केजरीवाल का हाथ है, अगर हम कह देते मान लेते, अगर उसके एक महीने बाद दो महीने छह महीने बाद उनका हो जाता, हम उसमें केजरीवाल का बिल्कुल नहीं मानते, शाम को भाई ने हटाई साठ गांठ तीस का मतलब सेटिंग थी कहीं ना कहीं, मानते हो, देखो सोचना तो पड़ेगा भाई साहब है ना, तो भाई साहब